हाँ ये आपका इंतजार था। तो आप लोग भी आ चुके अपने 10वें अध्याय में, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय और जानेंगे कि आखिर चाणक्य जी ने ऐसा क्यों कहा है कि 10वें अध्याय में इन श्लोकों में, और चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जिनको लेकर कभी ना कभी अपन कंट्रोवर्सी में भी फंस सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर 10वें अध्याय में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो कि आज हम लोग समझने जा रहे हैं। विद्या अर्थ से बड़ा धन, धन हीनो यहाँ विद्या को अर्थ से बड़ा धन प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है वस्तु से वो वस्तुओं में हीन है। अच्छा यह कि विद्वान व्यक्ति यदि निर्धन है तो उसे हीन नहीं माना जाता, बल्कि वो श्रेष्ठ ही माना जाता है। विद्याहीन मनुष्य सभी गुणों से हीन ही कहा जाता है, चाहे वह धनी ही क्यों ना हो, क्योंकि विद्या से गुण अथवा हुनर से व्यक्ति अर्थोपार्जन कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वह विद्या का उपार्जन करे, कोई हुनर सीखे जिससे उसे धन की प्राप्ति हो और वह अपने जीवन को उच्च अनुसार चला सके। सोच विचार कर कर्म करे। दृष्टि पूतम नेत्रम पादम वस्त्र पूतम जल पीतम शास्त्र पूतम वेदम वाक्यम मन पूतम समाचार। यहाँ चारे कर्म के प्रतिपादन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आँख से अच्छी तरह देखकर पाँव रखना चाहिए, जल वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ही बात कही शास्त्रों के अनुसार ही बात कहनी चाहिए तथा जिस काम को करने की मन आज्ञा दे वही करना चाहिए। अच्छा यह है कि अच्छी तरह देख कर ही कहीं पाँव रखना चाहिए, कपड़े से छना हुआ पानी ही पीना चाहिए, मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालनी चाहिए और पवित्र मन जिस काम में गवाही दे वही करना चाहिए। देखने की बात यह है कि ध्यान पूर्वक कर्मों से पूर्व विचार आसन करने से सावधानी पूर्वक कर्म की प्रक्रिया पूरी होती है, इसमें संदेह के लिए अवकाश ही नहीं रहता। तो शुरुआत के 2 श्लोक में ही मेरे मन में सवाल नहीं कहूंगा, पर हाँ कुछ ऐसे जवाब हैं जिसको लेकर आजकल के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसकी चर्चा मैं करूंगा वीडियो के लास्ट में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम लोग हमेशा वीडियो के लास्ट में आखिरी श्लोक खत्म होने के बाद कुछ सवाल जवाब करते हैं और कुछ चीजों को जानने और समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आइए टाइमलेस पर अब मैं ये पढ़ना चालू करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा अगर कुछ भी ऐसा निकलता है इस चैप्टर में से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो इसको क्लियर रखना। तो मेरा जो एक्सपीरियंस एक है वो शेयर कर लेता हूँ कि जब मैं मुंह में पेंसिल रखकर त बोलता हूँ, त तरबूज का, तो वो त ढंग से पहले नहीं निकल रहा था, मतलब उसको निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता था, पर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो प्रॉपर हो रहा है। तो शायद इसे कह सकते हैं कि हाँ हमारी जो भाषा है और जो हमारे जो शब्द जो क्लियर निकलने चाहिए वो निकल रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा तो लाउड बोलना पड़ेगा क्योंकि मन में ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो चलो मैं चलता हूँ टाइम लैप्स पर और पढ़कर बताता हूँ कि आखिर आज के चैप्टर में क्या हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर का आखिरी श्लोक की तरफ जो कि पूरे चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। और भाई साहब मतलब क्या युग है, वो युग भी क्या युग था, ये युग भी क्या युग है। आज बस टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, लोगों की सोच जो है वो और बिगड़ती चली जा रही है, पर जो मूल आधार कहता है कहते हैं या जो बेस कहा जाता है जिसे
एक पेड़ का बेस है जड़ होना। कोई भी पेड़ होगा तो बेसिक सी चीजों की उसकी जड़ होती है, वैसे ही इंसानों की कुछ जड़ होती है। तो इसकी मैं चर्चा करूंगा आखिरी श्लोक के बाद। तो आओ पढ़ रहे हैं आखिरी श्लोक। मेरी ये वाली पेंसिल भी लग, हाँ ये देखो थोड़ी साफ कर लूँ फिर बताता हूँ। ये देखो मेरे को लग ही रहा था कि आज मेरी जो पेंसिल वो डैमेज हो चुकी है, क्योंकि मेरे को बार बार टंग में चुभ रही थी, तो अब पेंसिल वापस से बदलनी पड़ेगी। और अगर नहीं बदलोगे तो तुम्हारी टंग डैमेज हो सकती है, शायद मेरी भी उसी कारण से हो रही है बार बार। तो चलो शुरू करते हैं। सीता सम्मान, सीता सीता सम्मान, शोकेन रोगा वर्धन्ते वैसा वर्धे तनु घटन वर्धते वीर्यम मानसा न मानसा प्रवर्धते। अर्थात साधन के यहाँ कार्य करण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि शोक से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है और मांस से मांस बढ़ता है। अर्थात यह है कि चिंता रहने से या दुखी रहने से मनुष्य को अनेक रोग झेल लेते हैं। दूध पीने से मनुष्य का शरीर बढ़ता है, घी खाने से वीर्य बढ़ता है, मांस खाने से केवल मांस ही बढ़ता है। तो ये था आज का आखिरी श्लोक। और मैं मतलब मैंने कहा ना युग बदला है, पर लोग सोच और घटिया से घटिया होती चली जा रही है। तो मैं इसमें तुम्हें तीन श्लोक बताता हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक थे। मैंने पढ़े तो मैंने कहा यार ये क्या है। एक तो ये है जिसमें आचार्य चाणक्य ने ये कहा है कि साधारण अनाज से 10 गुना शक्ति होती है आटे में, पर आटा अगर मैं तुम्हें कहूँ तो गेहूं का जो है वो शायद हमारे इंडिपेंडेंस के बाद शायद से ज्यादा था होने लगा है गेहूं का आटा। क्योंकि पहले इंडिया में बाय मौसम अनाज का आटा हुआ करता था, ऐसे मेरे मम्मी पापा भी बताते हैं और वो लोग वही खाते थे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि गेहूं का आटा 24 महीने, अरे 24 बोल रहा हूँ, 12 महीने अवेलेबल रहता है। अब ये सुनो, चिंता चीता समान, आशा ये है कि चिंता चिंतित रहने से या दुखी रहने से मनुष्य को अनेक रोग घेर लेते हैं। तो तुम लोग देखोगे कि जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एक बहुत अच्छी बीमारी का नाम है डिप्रेशन। क्यों अच्छी है? क्योंकि जब लोग बार बार ओवर थिंकिंग किसी पर्सन या चीज को लेकर करते रहते हैं तो वो लोग डिप्रेशन में जाने जाते हैं। अब वहीं पे एक चीज ये आती है कि इसमें भी ये चीज बताया गया है पिछले वाले श्लोक में कि जो घी है वो मांस से ज्यादा अधिक वो होता है, क्या कहते हैं, शक्तिशाली होता है और हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। क्योंकि कहा गया है कि दूध से शरीर बढ़ता है, यानी कि हमारे ग्रोथ हार्मोन बढ़ते हैं और हमारी ग्रोथ होती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और जो भी अन्य मिनरल्स विटामिन होते हैं उसके कारण जो दूध है उससे शरीर बढ़ता है। मांस खाने से मांस बढ़ता है, उन्होंने कहा है, लिखा है उस टाइम पर कि भैया मांस खाने से केवल मांस बढ़ेगा, पर अगर तुम घी खाते हो तो घी खाने से बल और वीर्य बढ़ रहा है। तो जो घी है आजकल भैया देखो स्कैम भी हो रहा है, तो उससे बच कर रहो, क्योंकि अभी डी मार्ट में कुछ दिनों पहले ही भयंकर मात्रा में नकली घी पकड़ा था। तो अगर हो सके तो अपने घर पर घी तैयार करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो ओरिजिनल घी है वो इस समय अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 1500 रुपये 1200 रुपये किलो बिक रहा है। और बीच में एक चीज आई थी जो कि बहुत ही मेरे को मस्त लगी, वो थी ये, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मल का त्याग करने वाली इंद्रिय को चाहे कितना ही स्वच्छ क्यों ना किया जाए, बार बार साबुन से सैकड़ों बार पानी से धोया जाए, फिर भी वो स्पर्श करने योग्य नहीं बन पाती। उसी प्रकार दुर्जन को समझाया बुझाया जाए वो सज्जन नहीं बन सकता। तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, तुमने अपने लाइफ में किसी व्यक्ति को एक अच्छी सलाह बहुत बार दी होगी, मैंने भी दी थी और कई बार देता भी हूँ, ऐसा नहीं है। बट जैसा कि कहा गया है कि इसमें अगर आप अपने बट को धोते भी हो तो भी भाई साहब वो ऐसा नहीं है कि तुम उसको चाट सको या उसको अच्छे से बोल सको या उसकी प्रशंसा कर सको, वो जहां है वो उसी लायक है और वो स्वच्छ नहीं हो सकता, ये चीज उसमें सही कही गई है। और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, तुम चाहे उनको कितनी ही अच्छी सलाह दे लो, उनके साथ कितना ही अच्छा कर लो, जैसे कि तुम्हारी एक्स, तुमने उसके साथ कितना अच्छा करा था, कितनी अच्छी सलाह दी थी, कितने अच्छे अच्छे विचार सोचे थे, पर हुआ क्या, हुआ वही जो उसने चाहा, भाई जब तुमने उसको बहुत अच्छा समझाया। पर कहते हैं कुछ लोगों को सुअर की तरह कीचड़ में लोढ़ने की आदत होती है, तो अगर तुम ऐसे व्यक्तियों को बार बार समझा रहे हो तो तुम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। मतलब यार मैं क्या कहूँ, क्या किताब है ये, मतलब जो चीजें मेरे साथ आज तक होती आई हैं और शायद आगे होगी
उस चीज के लिए ये किताब बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसने ह्यूमन बेसिक नेचर्स के बारे में कहा है, जो आचार्य चाणक्य की किताब में शुरुआत में लिखा गया है कि अगर इस नीतियों को, इसमें जो नीति दी है, अगर उन नीतियों को अगर कोई बहुत अच्छे से उसमें पारंगत हो जाता है तो वो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि तुम देखोगे कि तुम फालतू के लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तुम अपना काम करोगे, तुम्हें मालूम है कि धर्म क्या है और चीजें क्या है। धर्म नहीं बोल सकता, नहीं, धर्म क्या है ये चीज में इस बुक में शायद नहीं दिया है, क्योंकि धर्म धर्म लिखा हुआ है बट धर्म के बारे में दिया नहीं है कि धर्म क्या है। एक्चुअल में जो धर्म क्या है वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस पर से अलग कभी हुआ भविष्य में तो चर्चा करेंगे। और बस यही था इसमें, एक इंसान को बनाने के लिए अच्छा है, बट जो है वही है। हाँ, मेरी एक यही थिंकिंग है कि यार पहले के लोगों को अगर ये सब विज्ञान दिया शायद गया हो तभी तो ये सब चीजें आई हैं, क्योंकि कई जगह लिखा हुआ है कि अगर नीच घराने का व्यक्ति भी विद्वान है तो उसे भैया अच्छा इंसान ही समझना चाहिए, ना कि वैसा, समझे। और वही कहा गया है कि अगर वही नीच घराने में ब्राह्मण अगर भोजन कर लेता है तो वो विषहीन सांप के समान हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि समझने लायक हैं और चर्चा करने लायक हैं, ठीक है। अब पहले के जमाने में क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद हमारा जो डेटा है एक्चुअल इंडिया का वो उड़ा दिया गया है, जैसे ही खजाना उड़ाया गया था। तो चलो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कल 11:00 में। और अब शोर बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोगों का आना जाना चालू हो गया, और मैं भी चलता हूँ दुकान, तो मिलता हूँ आप लोगों से कल।